लोग का जो रियल कैरेक्टर था ना कि वो लोग इतनी बड़ी एज में भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई के पढ़ाई तो करने दे नहीं रहे थे, इतनी बड़ी उम्र में भी उन लोग ने स्टार्ट किया और वो लोग ने अचीव किया, वो एक बड़ी बात है। हाँ, वो लोग का लुक एकदम मतलब लग रहा था कि इनटू द कैरेक्टर है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ड्रेस्ड है या वैसा कुछ है, एकदम इनटू लग रहा था। ओके, हरियाणवी लैंग्वेज जो कहा है वो कितना मतलब कितना खड़े उतरे उसमें जो हरियाणवी। हाँ, वो लैंग्वेज पे भी आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज पे भी बहुत अच्छा वर्क किया वो लोग ने, बहुत मेहनत किया लैंग्वेज के उसमें कि मतलब लैंग्वेज भी एकदम लग रही थी कि हम वो लोग ने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, और उसके बाद वो लोग ने जब वो मूवी में डाला है तो वो एकदम रियल लग रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि एक भी बार वो एक्टिंग है। वैसे देखोगे तो एक्टिंग लगती है, बट आप देखोगे तो वो एक्टिंग लगेगी बहुत कम, वो एकदम रियल ही आता है। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना है? मैं 4.1, 4.2। बहुत अच्छी लगी। ओके, स्टोरी की बात करें तो कैसी लगी आपको ये बायोपिक, उनका जो किरदार जो है वो कितना रियल लगा आपको? ये बहुत रियल है, मतलब इतना बढ़िया कास्टिंग बड़ी कमाल की है, मतलब जितने भी उसमें लोग एक्ट किए हैं ना बहुत ही बढ़िया, आपको एक भी जगह ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं बोर हो रहे हैं या क्या देखने आ गए। आप ये फिल्म देखो, आप मोटिवेट होते हो अंदर से, मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, बशर्ते हम किसी के सुने ना, जहाँ हम सुनते हैं वहाँ रुक जाते हैं, आगे कौन बढ़ता जो नहीं सुनता है। इसमें तो एकदम पूरा मुझे सब वही दिखता था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब कुछ अलग है, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या कह सकते हैं ये तापसी और भूमि के बेस्ट परफॉर्मेंस है? सबसे बढ़िया, आज तक की सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया एक्टिंग आज तक उन लोगों ने किसी में किया ही नहीं। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 में 5। थैंक यू। एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच स्पेशली विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, ये बायोपिक मूवी है तापसी और भूमि की, तो कितना खड़े उतरे ये बायोपिक? मुझे तो लगता है क्वाइट अच्छे से खड़े उतरे, उनकी मेहनत दिख रही है एंड यू नो इट्स अ वेरी वेल मेड एंड यू नो दे हैव एक्टेड रियली वेल इन द होल मूवी। अच्छा खासा पकड़ा है, बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है। हाँ, मूवी भी अच्छी बन रही है। ओके, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म थी। ओके, ये मूवी से ऐसी कौन सी चीज है जो आप ये मूवी का लेके जाएंगे बहुत अच्छी लगेगी? द होल मूवी इज रियली नाइस, द स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना? 5। अच्छी थी मूवी, देखने में मजा भी आया, सारी बातें भी समझ आए, जो भाषा थी हरियाणवी वो भी समझ आई थी। बागपत मेरे फ्रेंड की जगह है, मतलब फ्रेंड का वो है, उसमें भी मैं जा चुका हूँ, उस जगह अच्छा एरिया है। ओके, ये बायोपिक मूवी है तो कितनी खरे उतरे दोनों, भूमि और तापसी? दोनों ही अच्छे करेक्टर निभाए और दोनों ने मतलब मैं तो शौक हो गया था देखकर कि इन दोनों ने ऐसा रोल निभाया, और जो दूसरा वाला था वो तो वाहियात, मतलब देखा जाए तो अलग ही था वो सीन। तो हम क्या कह सकते हैं ये भूमि और तापसी की बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक की? हाँ, ये तो है, क्योंकि इन्होंने सबसे अलग करेक्टर निभाया, जितनी मैंने मूवी देखी इन दोनों की, तो मतलब मैंने आज शौक हुई इन्होंने ये करेक्टर भी निभा लिया। ओके, जो हरियाणवी लैंग्वेज है उन्होंने वो कैसी पकड़ी है? वो भी अच्छी पकड़ी है, क्योंकि मैं तो समझ लेता हूँ हरियाणवी लैंग्वेज, तो मेरे को तो बहुत सही समझ, सारे वर्ड समझ आया, सब पूरी मूवी समझ आई है। मूवी में और क्या कुछ? मूवी में तो दादी के सीन सबसे बेस्ट थे, मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा सब मेरे को दिल भाग गया एंड वाले, सबसे बड़ी दादी का था जो, और जो उन्होंने और जो जो सरपंच वगैरह जो इलाके मतलब बैठती है वो भी दोनों दादियों का अच्छा था। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 4। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।